गुड मॉर्निंग बच्चों, इस वीडियो में हम लोग तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। तो तत्पुरुष समास क्या है? जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास का। तो उत्तर पद का मतलब क्या हुआ? जैसे हम यहाँ ध्यान देते हैं यश प्राप्ति, तो यश प्राप्त जो है इसमें यश जो है वो पूर्व पद है, प्राप्त जो है वो उत्तर पद है, तो यहाँ प्राप्त को ही उत्तर पद कहेंगे, तो यहाँ प्राप्त की प्रधानता है। उसी तरह से स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त में प्राप्त जो है उत्तर पद है, तो यहाँ उत्तर पद प्राप्त की प्रधानता है होने के कारण ये तत्पुरुष समास है। इसकी अगर हम इसका विग्रह करें तो यश को प्राप्त, उसी तरह से स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, तो यहाँ क्या होता है कि तत्पुरुष समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच आने वाली विभक्तियों या प्रसर्गों का लोप हो जाता है। तो जैसे अगर विग्रह की बात करें तो यश को प्राप्त, यहाँ यश जो है पूर्व पद है, प्राप्त जो है उत्तर पद है, तो जब इसको हम समस्त पद में कन्वर्ट करते हैं, ये समस्त पद में बदलते हैं, तो जो बीच की विभक्ति जो है वो उसका लोप हो जाता है और इस तरह से दोनों मिलकर बन जाता है यश प्राप्त। अगर दूसरा एग्जाम्पल पर हम ध्यान दें तो स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग को प्राप्त, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो स्वर्ग को प्राप्त, तो जब इसका समस्त पद में हम कन्वर्ट करेंगे तो को की को का यहाँ लोप हो जाने के कारण यह बन जाएगा स्वर्ग प्राप्त। तो इस तरह से समस्त पद में ये विभक्ति का, इस प्रसर्ग का लोप हो गया है। उसी तरह से गगनचुंबी, गगन को छूने वाला, तो यहाँ को जब इसको समस्त पद में कन्वर्ट करते हैं तो को का लोप हो जाता है, इस तरह से गगनचुंबी जो है बन जाता है। उसी तरह से किसी भी एग्जाम्पल को अगर हम ध्यान दें तो उसमें आपको उत्तर पद की क्या होगी? प्रधानता मिलेगी। तो यहाँ हम ये भी देखेंगे कारकीय रूपों के अनुसार तत्पुरुष समास के निम्नलिखित भेद होते हैं। तो बच्चों, हम तत्पुरुष समास को कैसे पहचानेंगे? तो इसका सबसे सरल उपाय ये है कि तत्पुरुष समास का हम विग्रह करेंगे और विग्रह करने के बाद जब उसमें किसी कारक की विभक्ति आती है तो वो हम तत्पुरुष समास में उसको समझ लेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, और सभी की अपनी अपनी एक विभक्ति होती है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबोधन हे अरे, अपादान में पर, इत्यादि ये सारे उसके प्रसर्ग हैं, उसकी विभक्तियाँ हैं। तो जब जैसे यहाँ आप ध्यान दें कर्म तत्पुरुष में, तो यश को प्राप्त, तो यहाँ को क्या है? कर्म कारक की विभक्ति। उसी तरह से रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित, ये करण तत्पुरुष है ना, के द्वारा करण की विभक्ति होती है के द्वारा। उसी तरह से अगर हम बात करें संप्रदान तत्पुरुष की, संप्रदान तत्पुरुष में भी विद्यालय, विद्या के लिए आलय, तो यहाँ के लिए जो है संप्रदान तत्पुरुष की विभक्ति आती है। उसी तरह अपादान तत्पुरुष में हम देखते हैं देश से निकाला, तो यहाँ से क्या है? अपादान का, अपादान कारक का जो चिन्ह है तो ये भी तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। ऋण से मुक्त, ये भी जो से जो है कारक की विभक्ति है। तो जब हम विग्रह करेंगे तो उसमें कारक की जब विभक्ति आ जाएगी तो उसी से हम समझेंगे कि तत्पुरुष समास है। उसी तरह संबंध तत्पुरुष में भी हम देखते हैं यहाँ पर ईश्वर भक्त, ईश्वर का भक्त, तो यहाँ का क्या है? संबंध कारक की विभक्ति है। राजा पुत्री, राजा की पुत्री, तो यहाँ की क्या है? संबंध कारक की विभक्ति है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जब भी हम इसका विग्रह करेंगे तो उसमें कारक का चिन्ह आएगा। उसी तरह से अधिकरण तत्पुरुष में हम देखें वन में वास, तो में क्या है? कारक का चिन्ह है। उसी तरह कारक चिन्ह से अलग एक और आता है जिस हम तत्पुरुष के अंतर्गत रखते हैं, जैसे अधीर, नधीर, इसको नज समाज भी हम लोग गाते हैं, ये भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है। जैसे अजर, नजर, अनुदार, न उदार। तो आशा है बच्चों इस वीडियो में आप तत्पुरुष समास के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो उसमें कारक की विभक्ति आती है, इसी से हम समझेंगे कि वो तत्पुरुष समास है। तो बच्चों, अगले वीडियो तक आपके लिए बहुत धन्यवाद।